बात करते हैं आज वाले लेक्चर में। हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके थे डिफ्रैक्शन, उससे पहले पढ़ चुके थे इंटरफेरेंस, आज पढ़ने जा रहे हैं पोलराइजेशन। हिंट डाल लीजिए, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन, लेट्स गो फॉर द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी भी लाइट सोर्स से, अगर लाइट सोर्स की बात करें तो चलिए लाइट एक अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम रेडिएशन। और ईएम रेडिएशन की खास बात है इसमें दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं, यानी लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रही है तो हमें कह सकते हैं कुछ ऑसिलेशंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं जो इसके प्लेन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइक अपवर्ड डाउनवर्ड। और कुछ वाइब्रेशन ऐसे हैं जो इसके हॉरिजॉन्टली प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड। कहने का मतलब किसी भी सोर्स से अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, भले वो स्पीड ऑफ लाइट का हो या लाइट की खुद की बात हो, विजिबल रेंज की लाइट हो, तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट। दैट्स वाई लाइट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। दोनों पार्ट्स लाइट की एनर्जी को इक्वल अमाउंट में कैरी करके चलते हैं, तो हम कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में सेव है या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में सेव है, बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम में सेव है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ई एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहा है लाइट। और अगर जहां तक बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हाफ ऑफ, याद करिए आपने पढ़ा भी है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इतनी इंटेंसिटी इतनी एनर्जी लेकर के मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर, दोनों पार्ट्स बराबर है। तो आपको पता है कि जो अब जो लाइट तो एक रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब होता है एनर्जी निकल रही। एनर्जी को पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यही टर्म बन जाता है इंटेंसिटी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी जो कि लाइट सोर्स से निकल रही है वो दो फॉर्म में निकल रही है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी है और मैग्नेटिक फॉर्म में भी है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर है, इसका मतलब इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। इसके दो टुकड़ों में एक टुकड़ा हो जाएगा जो मैग्नेटिक पार्ट से आएगा और एक टुकड़ा हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक पार्ट से आएगा। तो जितना कंट्रीब्यूशन इसका, उतना कंट्रीब्यूशन इसका, यानी इंटेंसिटी फॉर्म करने में आधा आधा कंट्रीब्यूशन दोनों लोगों का है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू है या आई बाई टू है, मैग्नेटिक फील्ड की आई बाई टू है, तो टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी आई। बोलो भाई, इतनी बात डन। अब देखिए जरा, हम ध्यान देंगे पोलराइजेशन का जो चैप्टर है उसमें ध्यान देंगे कि पोलराइज करने का मतलब लाइट के दो हिस्सों में पक्षपात करना, ई अलग कर देना, बी अलग कर देना। वो काम एक क्रिस्टल करेगा जिसे हम लोग निकोल प्रिज्म कह सकते हैं, टर्मिनल क्रिस्टल कर सकता है, एक स्पेशल मैन्युफैक्चर्ड केमिकल डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल फेनोमेना पर बेस्ड ऑन है। कुछ बातें और बता दें आपको, सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक पार्ट भी होगा, मैग्नेटिक पार्ट भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बनाने में इलेक्ट्रिक पार्ट मैग्नेटिक पार्ट का बराबर कंट्रीब्यूशन होगा। तो किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी डिसाइड करने में भी दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा। तो इतनी बातें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए जरा, आप पोलराइजेशन की बात आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से कोई लाइट वेव आ रही। अब लाइट वेव आने के बाद इसके रास्ते में हमने एक ऐसा क्रिस्टल लगा दिया, इसे टॉर्मेलिन क्रिस्टल ध्यान देंगे, रट लेंगे नाम, याद करेंगे, या इसे निकोल प्रिज्म भी कह सकते हो। दिस इज दिस और इसे टॉर्मेलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म, दोनों ही चीजें कही जा सकती है। अब समझिए इस बात को जरा कि सोर्स से जो लाइट आ रही है रास्ते में इसके एक प्रिज्म पड़ गया। क्या पड़ गया? प्रिज्म पड़ गया। इस प्रिज्म का नाम टॉर्मेलिन क्रिस्टल भी है, निकोल प्रिज्म है। ये ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए बनाया गया है। इसमें आप इमेजिन करिए कि ऐसे ऐसे करके गेट्स हैं, जंगले जैसे, है ना। तो लाइट आई और लाइट दोनों पार्ट्स लेकर के आई, ये इलेक्ट्रिक पार्ट रहा और ये मैग्नेटिक पार्ट रहा, ये मैग्नेटिक पार्ट। अब दोनों पार्ट में एक पार्ट ऐसे वाइब्रेट करते आ रहा, वो तो बाईपास हो जाएगा, लेकिन जो पार्ट ऐसे वाइब्रेट करते आ रहा वो फंस जाएगा इसमें। हमने जगले ऐसे रखे तो जो पार्ट यू वाइब्रेट करते आ रहा फंस जाएगा, लेकिन जो पार्ट ऐसे वाइब्रेट करते आ रहा वो यू, देखिए ये देखिए,
आप अगर देख पा रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट करने वाला पार्ट देखिए निकल जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करने वाला इस स्पेस से निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज बाईपास कर जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट रुक जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए या ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट और ऑप्टिकल फिनोमेना। तो आप देख पाएंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो तो शांति से बता सकता है कि यहां से जो लाइट आ रही है मुझे दिखाई तो दे रही है, लेकिन अब एक दिक्कत आ रही है कि इस क्रिस्टल ने कुछ पार्ट रोक दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अगर रोक दिया, सपोज करो यहां जो इंटेंसिटी निकली थी आई, उसमें ई और बी दोनों अवेलेबल थे, अब यहां एक ही पार्ट पहुंच पा रहा, इसका मतलब इंटेंसिटी घट चुकी है, आधी बची है। भैया इंटेंसिटी में दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है अब वो मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन के बराबर था, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा, मैग्नेटिक पहुंचे नहीं, तो इंटेंसिटी भी आधी पहुंची। आप याद रखेंगे किसी भी क्रिस्टल से ये जो लाइट है, अब ध्यान दें ये जो लाइट है इसे हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट, इसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया, दोनों हिस्से बराबर बराबर चल रहे हैं। तो इधर जो सिंगल लाइट पहुंची जिसमें एक ही कंपोनेंट बचा है लाइट का, ई और बी में एक बचा है, इसे कहते हैं पोलराइज लाइट, ये पोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को हम नेचुरल लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट में दोनों कंपोनेंट अवेलेबल रहते हैं। क्लियर? तो सरल भाषा में सोर्स से निकलने वाले जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे वो विजिबल लाइट के फॉर्म में क्यों ना हो, यानी हमारी विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलने वाली जो वेव्स हैं उसमें ई भी होगा पी भी होगा। रास्ते में लगाई गई कोई ऑप्टिकल डिवाइस जिसे टर्मिनल क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म के नाम से जाना जाता है, उसमें केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को बाईपास करने देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रोक लेते हैं, चूंकि इंटेंसिटी में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक पार्ट ही पहुंचा है एक पार्ट रुक गया, इसका मतलब इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए लाइट हमको देखने में हेल्प करती है, लाइट दिखाई नहीं देती, लाइट तो देखने में हेल्प करती है, असिस्ट करती है, तो लाइट हमें ऑब्जेक्ट दिखने में हेल्प करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ही ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, ऑप्टिकल फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे दावे के साथ कह सकते हो कि ई पहुंचा है? ऑब्जर्वर का कहना, सर हम जब यहां से देख रहे थे और जब यहां से देख रहे थे, दोनों बातों में एक फर्क समझ में आया कि यहां लाइट में जो चकाचौंध थी, जो डेजलिंग इफेक्ट था ज्यादा था, लाइट अभी भी यहां दिख रही है लेकिन इसका डेजलिंग इफेक्ट कम हो गया, यानी कहने का मतलब यहां इंटेंसिटी ज्यादा तो लाइट में चकाचौंध ज्यादा होगी, ब्लर मतलब क्या बोलेंगे उसको हम लोग, हाँ डेजलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, चकाचौंध ज्यादा होगी, यानी लाइट जो है दिखने दिखाने का काम तो कर ही रही है लेकिन एक्स्ट्रा शाइन इफेक्ट क्रिएट कर रही, अतिरिक्त चमक उत्पन्न कर रही, यहां एक्स्ट्रा शाइन नहीं, यहां स्मूथ विजिबल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जिंदाबाद बचा हुआ है लेकिन इसका जो है इंटेंसिटी कम हो गया। आपने देखा होगा अच्छी कंपनी के जो चश्मे हैं, अच्छी कंपनी की जो गाड़ियां हैं, उनके जो हेडलाइट्स हैं, उनमें भी लाइट दिखती है, बहुत सुंदर सी लाइट दिखाई देती है, लेकिन लाइट डेजलिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट करती, मतलब इफेक्ट इफ यू आर वियरिंग। अच्छा एक और बात करें, अगर आप सिंपल स्पेक्ट्स पहनना है और आप किसी बल्ब की तरफ अगर आप देखते हैं या सन की तरफ देखते हैं, सनलाइट में निकलते हैं सिंपल स्पेक्ट्स पहन के, साधारण चश्मा पहन के, तो आपको चकाचौंध से दिखाई देगी, आपको आंखों में देखने में दिक्कत होगी, आपकी जो आईरिस है वो थोड़ा सा सिकुड़ेगी, कम लाइट को अंदर पैसेज देने देगी। लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी का जो पोलराइज जो जिसमें आप पोलराइजेशन इफेक्ट मिक्स करके केमिकल क्रिस्टल बनाए गए चश्मे के, है ना, अगर उसको पहन के निकलेंगे धूप में तो आपको सिंपल सा बढ़िया अच्छा कंफर्टेबल दिखाई देगा। जो अच्छी कंपनी के चश्मे होते हैं, जो बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लगाते हैं, बड़े लोग लगाते हैं, आप भी बड़े आदमी बनेंगे, आप भी लगाएंगे, तो आप देखेंगे उन चश्मों में और साधारण चश्मों में फर्क है। एक चश्मा अभी का रख लो या से 10 साल बाद लगाना, और एक 10 साल बाद जब तुम 1.5 लाख रुपए का बढ़िया चश्मा खरीदोगे तो उस चश्मे को लगा के देखना, तो तुम्हें इफेक्ट समझ में आएगा कि जब भी कभी हम ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पोलराइजेशन का फिनोमेना हो रहा है, तो लाइट का ऑप्टिकल इफेक्ट खत्म नहीं करेगा, लाइट दिख रही वैसे भी दिखेगी, लाइट की वजह से चीज़ें दिखती वैसे भी दिखेगी, बस फर्क यह आ जाएगा कि तब जो लाइट होगी उसमें एक्स्ट्रा शाइन नहीं होगी, अतिरिक्त चकाचौंध डेजलिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, चलिए खैर, तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस बात को अभी और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस बात को हटा रहा हूँ बेटा, कि लाइट जब पोलराइज हो गई आगे बढ़ी तो हमने इसकी टेस्टिंग के लिए रास्ते में एक और ऐसी ही डिवाइस लगा दी, बिल्कुल सिमिलर डिवाइस जैसा ये है, इसे कह सकते हो ये पोलराइजर वन है और इसे हम लोगों ने लगा दिया, इसे पोलराइजर भी कहा जाता है क्योंकि पोलराइजेशन करने का काम करता है, लाइट के दो पार्ट्स को अलग करने का काम करता है। आगे हमने बिल्कुल ऐसा, हालांकि इसमें ये स्पेस बने हो ना बने हो आप समझदार हैं, ये हमने वर्टिकल स्पेसेस जो बनाए हैं, जो जंगली जैसे स्ट्रक्चर बनाए आपकी समझदारी के लिए। अब यहां से अगर आप एक पहला लगाया तो उसने बी को रोक लिया, ई को जाने दिया, अब दूसरा बिल्कुल इसी के इसके जो पहले पोलराइजर का एक्सेस है और दूसरे पोलराइजर का एक्सेस एक दूसरे के ठीक सामने पैरेलल रखा, यहां से अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को जाने दिया जाए, ये एज इट इज बाईपास कर जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, क्यों बाईपास कर जाएगा? क्योंकि जो ऑप्टिकल फिनोमेना फेस करके यानी फिल्टर करके यहां से गुजरा वही फिर मिला, आराम से निकल जाएगा। बोले भाई, अरे भाई सिंपल बात है, आपने चाय छानी छन्नी से, अब जो चाय उसको दोबारा छान लो,
दूसरी वाली छन्नी में शायद कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक बार फिल्टर हो चुकी है। तो पहली बार बी को फिल्टर कर चुके हो, दोबारा अगर फिल्टर करने की कोशिश करो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो वैसे भी पोलराइजर को बाईपास कर जाएगा। एक और खास बात, जो यहाँ इंटेंसिटी थी वही इंटेंसिटी तुम्हें यहाँ मिलेगी, अब इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोलराइजर से लाइट पोलराइज हुई है या नहीं उसे चेक करने के लिए दूसरा पोलराइजर इस्तेमाल किया, देखा गया कि जो इंटेंसिटी यहाँ है वही इंटेंसिटी यहाँ, जो ऑप्टिकल इफेक्ट यहाँ वही ऑप्टिकल इफेक्ट है, इसका मतलब इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब लाइट पहले से पोलराइज थी, तभी पोलराइजर लगाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरे पोलराइजर का जिसका इस्तेमाल हमने एनालिसिस के लिए किया, इसे एनालाइजर भी कहते हैं। देख लीजिए आराम से, क्लियर? तो ये पोलराइजर वन, ये एनालाइजर, डन, आई थिंक क्लियर। अब हम पोलराइजर की एक्सेस के बीच में थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे, इसे हम लॉ ऑफ मैलस के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आप नोट कर ले, फिर आगे की बात करते हैं बेटा। अब देखिए जरा, अब हम लोग आगे देखते हैं लॉ ऑफ मैलस। लॉ ऑफ मैलस समझे जरा ध्यान से। मैलस साहब का लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ था। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए हमारे पास एक पोलराइजर है, सॉरी हमारे पास एक पोलराइजर है, ये रहा, और पोलराइजर की एक्सिस, ये पोलराइजर का सेंट्रल पॉइंट, यहां से पास होने वाली एक्सिस, और यहां से आपकी एक नेचुरल लाइट आ रही है। आप समझदार हैं, नेचुरल लाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी। इसको हमने पहले पोलराइजर से पास करा, पहले पोलराइजर से P1 से, रास्ते में इसी की एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता हुआ दूसरा एक ऐसा ही निकोल प्रिज्म या ऐसा ही एनालाइजर रखा है। आप कह सकते हो P1 की जो एक्सिस थी, ये P1 की एक्सिस है बेटा, इससे P2 की एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल थीटा है। ऐसा समझिए कि ये पोलराइजर वन ऐसे रखा है, अब ऐसा समझिए ये पैसेज ऑफ लाइट है, ये लाइट ऐसे रखा है, दूसरा जो एनालाइजर है वो ऐसे नहीं रखा, इसके ठीक पैरेलल नहीं है, बल्कि इससे कुछ एंगल बनाता हुआ रखा है। ध्यान से देखो, इस पिक्चर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, बीच में एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला। सो जो एंगल यहां बन रहा है वही इसकी और इसकी एक्सिस के बीच भी बन रहा होगा, तो ये थीटा बताया गया, ये देख लीजिए। अब है क्या है ना, और है क्या कि यहां से जो लाइट आई है ये तो नेचुरल लाइट है, तो इसकी इंटेंसिटी आई होगी, पहली बार पास करोगे बी छट जाएगा, ई बाईपास हो जाएगा, तो यहां इंटेंसिटी श्योर है कि आधी बचेगी। लेकिन अब है क्या, अगर ये ठीक पैरेलल रखा होता तो ये आई नॉट बाई टू एज इट इज निकल जाता, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ रहे हैं, इमेजिन करो बेटा ऐसे वेक्टर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे आ रहे होंगे, अब जब यहाँ से गुजरना चाहेंगे तो प्रिज्म हो चुका है टेढ़ा, निकोल प्रिज्म टेढ़ा हो चुका है। तो अब इस प्रिज्म का कहना है कि अब वो रास्ते नहीं जो पहले थे, अब लाइट से कहा कि अपना पैटर्न चेंज करो तब अंदर से गुजर पाओगे, नहीं फंस जाओगे। ऐसे सोचो, अगर हम मार्कर को ऐसे बाईपास करें तो यहाँ जो वर्टिकल स्पेस थे उनसे तो मार्कर आराम से बाईपास हो जाएगा, लेकिन अब वर्टिकल स्पेस नहीं बचे, अब स्पेस टेढ़ा हो गया, तो इसको अपना एक कंपोनेंट ऐसे करना पड़ेगा, तो इसका कॉस कंपोनेंट आएगा इसकी तरफ। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, ये एंगल थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचा, मान लो यही वाइब्रेशन उछलता यहाँ तक पहुँचा, ये एंगल थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इधर पहुँचेगा बनेगा ई कॉस थीटा। अब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई था जो e cos थीटा के फॉर्म में यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर यानी e cos थीटा का स्क्वायर, तो e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी जो यहाँ से इंटेंसिटी निकलेगी लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे आई ऐसे थी, रिपीट करते ऐसे जाएगी, अलॉन्ग एक्सिस चलना बंद, अब कंपोनेंट यहाँ से गुजर रहा, तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी cos स्क्वायर थीटा के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कॉन्स्टेंट लगेगा, I बराबर आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस बात को समझिए क्या लिखा है, हमने डिटेल बता दिया, आप इसको याद रखेंगे। आई क्या है, फाइनल इमर्जेंट इंटेंसिटी, अंत में जो लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी इज इक्वल टू जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी। इस आई डैश का मतलब है, हम इसको आई नॉट बाई टू लिख सकते थे, आई बाई टू लिख सकते, लेकिन हमने लिखा इसका नाम है जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी। तो फाइनल इमर्जेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होगा। फाइनल इमर्जेंट इंटेंसिटी जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम होगा, जहां थीटा पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है, या पहले पोलराइजर की एक्सिस और दूसरे पोलराइजर की एक्सिस के बीच का एंगल है। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई, आप चाहो तो यहाँ आई बाई टू लिख सकते हो,
ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, यह लॉ ऑफ मैलस। अरे भाई अगर यहाँ से यहाँ चेक करते तो इसके जस्ट प्रीवियस ये लेते, इसके और पीछे कोई होता उसका उसका वैल्यू लेते। खैर एक सवाल करके देखते हैं, देखिए जरा कितनी क्लियरिटी आई आपको। लॉ ऑफ मैलस देखना बेटा, ध्यान समझे। आपसे कहा जा रहा है मान लीजिए कि ये कोई एक एक्सिस है और यहाँ एक आपने पोलराइजर रखा है, दिस इज P1, और इसी की एक्सिस के साथ एक कुछ 60 डिग्री पर हम एक एनालाइजर रख रहे हैं लाइक दिस वन। तो इट इज P1, इट इज P2। ये लाइट आई ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ये लाइट है। अब सिंपल सी बातचीत कही जा रही है आपसे, यहाँ से लाइट आई आई है और यहाँ एंगल 60 डिग्री है, तो आप फाइनल इमर्जेंट इंटेंसिटी बताओ। हमने कहा सिंपल बात है, फाइनल इमर्जेंट इंटेंसिटी जस्ट प्रीवियस इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लगाते हैं मैलस लॉ। तो पहले बताओ यहाँ आई है तो यहाँ एक कंपोनेंट फिल्टर होगा तो यहाँ कितनी बचेगी, आधी। अरे भैया ई और बी में बी फिल्टर हो जाएगा, आई बचे ई बचेगा, आधी इंटेंसिटी हो जाएगी। अब यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी, यहाँ फाइनल इंटेंसिटी, वो जस्ट प्रीवियस का मतलब इस वाली इंटेंसिटी का आई नॉट बाई टू का कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा पहले की एक्सिस और दूसरी एक्सिस के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो फाइनल इंटेंसिटी बराबर आई बाई टू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 इज 1/2, सो कॉस स्क्वायर 60 इज 1/4, सो फाइनल आंसर 1/i/8। यानी यहाँ अगर आई इंटेंसिटी थी तो यहाँ आधी 50%, और यहाँ जब पहुँचेगी तो आई बाई एट हो जाएगी, 1/8 इंटेंसिटी हो जाएगी। यानी अगर 100 वाट है यहाँ तो यहाँ 50 वाट और यहाँ 12.5 वाट, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5, इस तरह सोच सकते हैं। क्लियर। एक बड़ा स्टैंडर्ड सवाल आता है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसे एग्जाम्पल 1 करके नोट कर लें। एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है, नोट करें ध्यान दें। अभी कभी कभी कहा जाता है कि मान लीजिए दो पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए, एक दो पोलराइजर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी पहला पोलराइजर अगर ऐसे रखा है तो दूसरा वाला ऐसे रख दिया गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक का एक्सिस ऐसे है तो दूसरे का एक्सिस इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया। तो हमसे मान लीजिए कहा गया कि हमारे पास एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये रहा सोर्स ऑफ लाइट, और इससे लाइट का प्रोपगेशन ऐसे कहीं हो रहा है, और रास्ते में आपको एक पोलराइजर मिला लाइक दिस वन, और दूसरा पोलराइजर इसी एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर लाइक दिस वन ऐसे रखा गया है, इसकी एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर, ये पहला पोलराइजर है और ये दूसरा पोलराइजर है, और दोनों के एक्सिस के बीच में राइट एंगल बन रहा, इसे P1 मान लो। ये P1 वाला ही एक्सिस है, उससे ये P2 वाला 90 डिग्री पर है, थ्योरम की तरह पढ़ाएंगे। इन दोनों के बीच में एक पोलराइजर रखा गया जो कि मान लीजिए पहले वाले से ऐसे पोलराइजर, तो मान लीजिए पहले वाले से थीटा बना रहा। अब समझिए इस कहानी को, पहला और आखिरी वाला म्यूचुअली परपेंडिकुलर और बीच वाला थीटा पे रखा गया, हम कह रहे ये होगा पहला, उससे थीटा पे रखा गया होगा दूसरा, और इससे 90 पे रखा गया होगा तीसरा। समझिए, तो पहले और दूसरे के बीच मान लो 30, तो दूसरे और तीसरे के बीच बचा 60। तो अगर पहले और दूसरे के बीच थीटा, तो बाकी के बीच चेक करके देखना चाहो देख सकते हो, इस ये है P1, ये है P2, तो P2 की एक्सिस ऐसे कुछ होगी, मतलब इसी एक्सिस को अगर कॉपी करें तो सोचो अगर ये थीटा, ये थीटा, तो ये बोलो कितना 90 माइनस थीटा। अब चले हम इंटेंसिटी लगाने, सपोज करो यहाँ की इंटेंसिटी इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ इंटेंसिटी बोलो कितनी हो जाएगी बेटा, i/2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी i/2 का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कितनी हो जाएगी i/2 का जस्ट प्रीवियस का कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस 90 माइनस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 का ऊपर 4 का नीचे मल्टीप्लाई करो तो जो मैथमेटिकल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आई फाइनल बराबर, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, i/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इस बात को रट सकते हैं, कैसे रट सकते हो, एज अ केस याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए कि पहला पोलराइजर और तीसरे पोलराइजर, समझ पा रहे हो ना, पहले और आखिरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बीच में कोई थीटा पर रख दिया जाए, पहले वाले से थीटा पर रख दिया जाए दूसरे वाले से, तो पहला पोलराइजर और दूसरा पोलराइजर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बीच में कोई थीटा पे तीसरा पोलराइजर लग दिया जाए, तो यहाँ इंटेंसिटी अगर आई भेज जाए तो यहाँ फाइनल इंटेंसिटी होगी आई बाई एट का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स, साइन स्क्वायर टू थीटा टाइम्स। अब तुमसे पूछे कोई कि फाइनली इंटेंसिटी सबसे अच्छी कब हो सकती है, आपने कहा जब ये वैल्यू अच्छी होगी, ये कब अच्छी होगी, जब एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये बन कब जाएगा, जब थीटा यहाँ यहाँ 90 लिखाओ तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45, यानी पता है पहला उसके 45 पर दूसरा, उसके 45 पर तीसरा, तो ऐसे केस में सबसे अच्छी इंटेंसिटी आपको लास्ट मिलेगी, ऐसे केस के लिए सबसे अच्छा आंसर तब मिलेगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब देखिए जरा, तो इस बात को याद रखें कि पहला और आखिरी, फिर बोल रहे हैं पहला और आखिरी परपेंडिकुलर बीच वाला किस थीटा पर रख दिया जाए तो फाइनल इमरजेंट इंटेंसिटी प्रीवियस यानी पहली इंटेंसिटी का 1/8 इनटू साइन स्क्वायर 2 थीटा टाइम्स हो जाएगा। अब कोई भी कहते कहते यहाँ 30 रखा है, रखो वहाँ 30, यहाँ कुछ बोल दे वैल्यू यहाँ कितनी है पता कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं लास्ट की तरफ, ब्रूस्टर्स लॉ, लास्ट टाइटल हमारा ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर साहब ने भी लॉ दिया, वो पोलराइजेशन के पर्पज से दिया था, उनका कहना ये था कि दो मीडियम अगर किसी इंटरफेस से अलग हो रहे हैं, आराम समझें, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, उनका कहना था कि अगर किसी इंटरफेस से दो मीडियम अलग हो रहे हैं, दो माध्यम अलग अलग हो रहे हैं, उनमें से एक मीडियम में लाइट वेव आती है ऐसे, और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक होती वहां है नॉर्मल, सॉरी 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 यहाँ नॉर्मल है, तो लाइट वेव मान लो पहले मीडियम में आई, अच्छा ये कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये ई और बी से बनी हुई है, तो लाइट यहाँ कहीं स्ट्राइक करी, अब यहाँ स्ट्राइक करने के बाद लाइट का कुछ पार्ट ऐसे निकल, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम और बेटा साफ बना देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम और साफ करेंगे एक बार और, कि हमारे पास ये कोई छोटी सी इंटरफेस है, ये इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ इंसिडेंट रे को दिखा सके, तो ये इंसिडेंट रे आई, ये नेचुरल लाइट है, तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर लाइक दिस, सॉरी हाँ चलो ऐसे वाइब्रेशंस जो हैं जो इस प्लेन के लॉन्ग, ये वाइब्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन है मान लीजिए, और जो इस प्लेन के लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर इस तरह अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है, तो लाइट किसी इंटरफेस पर आ गिरे, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो पहले मीडियम का ऐसा मान लीजिए कि पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, अभी समझाने के लिए बाद में चेंज कर देंगे, और ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, लाइट आई किसी ऐसे स्पेशल एंगल पर आई जिस पर आने के बाद लाइट का, अच्छा एक बात और होता है कि लाइट जब भी कभी मान लो पानी में टॉर्च मारो तो कुछ पार्ट लाइट का अंदर चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर बाहर बाउंड्री में फोटो बनाता है, तो हम कहेंगे लाइट जो भी आई है उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट, आई एम राइटिंग हियर, इट इज रिफ्रैक्टेड पार्ट एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, तो राइट का अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रैक्टेड पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, फोकस करना इस बात पर, अगर लाइट का मतलब जो नेचुरल लाइट आई है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कंपोज्ड ऑफ है वो किसी नॉर्मल से आईपी एंगल पर गिरी, स्पेशल बात है आईपी एंगल बाद में बात करेंगे, तो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन जैसे यहाँ गिरे तो लाइट का कुछ पार्ट जो रिफ्रैक्ट हुआ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे स्पेशल एंगल को हम पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, आईपी इज नोन एज पोलराइजेशन एंगल। पोलराइजेशन एंगल खास बात क्या होती है, क्यों पोलराइजेशन एंगल कहते हैं, क्योंकि लाइट का जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है उसमें केवल एक ही कंपोनेंट बचा होगा, ये वाला कंपोनेंट। अब आपको फोटो से मैच कराते हैं, बी कंपोनेंट डिगिंग मैनर में आया था खोदने की दास, ये ऐसे निकल गया, बी कंपोनेंट ऐसे बाईपास कर गया, ये जो कंपोनेंट बाईपास कर गया ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट अगर ऐसे बाईपास कर गया तो ये जो कंपोनेंट बचा है ऐसे वाला, भाई दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा तो एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, और लाइट इन दोनों के पर बीच में चल रही होगी, तो ये जो कंपोनेंट है अगर ई है तो ये पार्ट ई बन जाए, कैसे पता, ऑब्जर्वर यहां देख रहा था उसको लाइट का ऑप्टिकल इफेक्ट यहां दिखा, यहां ऑप्टिकल इफेक्ट नहीं दिखा, यहां लाइट दिख रही थी यहां लाइट दिख नहीं रही थी, लेकिन ये था कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, तो आपने कहा सर ई और बी दोनों आए होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑप्टिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहा, आधी इंटेंसिटी के साथ ऊपर भाग गया, रिफ्रैक्टेड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नीचे चला गया, दोनों पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो इस स्पेशल एंगल को नाम दिया गया पोलराइजेशन एंगल, ठीक है ना। अब इसको कहते कैसे, इसको ऐसे कहते हैं कि अगर कोई लाइट पोलराइजेशन एंगल पर आए या एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर गिरे तो लाइट का रिफ्लेक्टेड पार्ट 100% प्लेन पोलराइज होगा, 100% प्लेन पोलराइज, प्लेन करके मैं इसको लिख रहा हूं, पोलराइज होगा
पोलराइज का मतलब उसमें एक लोग बचे होंगे, पक्षपात हो चुका होगा, ई बचा होगा, बी खत्म। या ऐसा भी कहा जाए कि अगर लाइट पोलराइजेशन है, सुनना, अगर लाइट पोलराइजेशन एंगल पर आए तो रिफ्लेक्टेड पार्ट 100% पोलराइज होगा, ये ब्रूस्टर्स लॉ है, ब्रूस्टर्स साहब का लॉ। दूसरा इसका कहने का तरीका, लाइट अगर पोलराइजेशन एंगल पर आती है तो लाइट का रिफ्रैक्टेड पार्ट और रिफ्लेक्टेड पार्ट भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। आप सोचो अगर ये आई पी है तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से बेटा ये भी आई पी हो जाएगा, ये एंगल 90 है तो अगर ये आई पी है तो 90-IP, ये 90-IP तो ये आई पी, ये आई पी तो 90-IP। आप आराम से फुर्सत में करना इस बात को। अब इस बात को हम लिखने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि स्नेल्स लॉ किसी भी रिफ्लेक्शन के पर्पज में लगाया जा सकता है। हम लिखने जा रहे हैं म्यू वन इंटू साइन आई, साइन आई की जगह साइन आई पी, बराबर म्यू टू दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, साइन 90-IP, साइन 90-IP। ठीक, तो इसे साइन आई पी तो साइन आई पी रहने दो, साइन आई पी अपॉन ये बन जाएगा साइन 90-θ कॉस थीटा, कॉस आई पी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अब इसे डब्बे में बंद करके अगले स्टेप पर डब्बा बंद करेंगे, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी विल बिकम टेन आई पी, और म्यू टू अपॉन म्यू वन इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट विद रिस्पेक्ट सेकंड इज इक्वल टू सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ आई पी, टेन ऑफ आई पी। इसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है कभी कभी, म्यू बराबर टेन ऑफ आई पी। ठीक, अब देखिए जरा, तो म्यू बराबर टेन आई पी, ये शर्त है हमारी। ब्रूस्टर्स लॉ की तीन बातें, ब्रूस्टर्स लॉ मतलब म्यू बराबर टेन आई पी, ब्रूस्टर्स लॉ मतलब लाइट अगर पोलराइजिंग एंगल पर आई है तो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, लाइट अगर पोलराइजिंग एंगल पर आए तो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट 100% पोलराइज होगा। ठीक, इस तरह इतनी बातें नोट कर ले, एक एग्जांपल उठाते हैं जो कि हमारे ब्रूस्टर्स लॉ को और अच्छे से जस्टिफाई कर देगा। रफ करते बेटा इतनी बातें, इसे आराम से नोट कर लो। अब देखिए जरा, एक बात और पूछने जा रहे हैं आपसे हम, म्यू किसका मीडियम था, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, म्यू बराबर टेन आई पी। अब बहुत सरल सी बात है, मान लो आपसे कहता है कि बतौर एग्जाम्पल आपसे कह दे कि ये इंटरफेस है, ये लाइट है, यहाँ ऐसे लाइट आई, ये लाइट किसी नॉर्मल पर इस पर इस तरह इंसिडेंट हुई है, और लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो आईपी पर इंसिडेंट हुई है, पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट हुई है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि पोलराइजिंग एंगल कितना होगा अगर लाइट का ये पार्ट रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हम कहते छोड़ो, सवाल ऐसा पूछ ले एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी इंटरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि विजिबल फॉर्म में थी वो इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरा, इस रेडिएशन का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था रिफ्रैक्टेड पार्ट था म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ। अगर इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 है और ये मीडियम आपका एयर या वैक्यूम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। आप समझ गए, आपने कहा हमने डेफिनेशन पढ़ा है, ब्रूस्टर साहब का डेफिनेशन कहता है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट और रिफ्रेक्टेड पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, इसका मतलब पक्का लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, वो इस मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल की तरह डिफाइन है। अब पोलराइजिंग एंगल की शर्त होती है म्यू बराबर टेन ऑफ आई पी, अभी सीखा म्यू बराबर टेन ऑफ आई पी, अब समझदार के लिए सारा काफी है। म्यू किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड है √3, और एयर की बात करें तो म्यू एयर याद करो कितना होगा 1, तो हम देखने जा रहे हैं √3 विद रिस्पेक्ट टू 1 बराबर टेन ऑफ आई पी, टेन ऑफ आई पी। बताओ जरा टेन में कितने की वैल्यू √3 होती है, आपने कहा सर 1060 की, कंपेयर करो तो आई पी बराबर किसके आ गया 60, तो पोलराइजिंग एंगल बोलो बेटा कितना हो गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री, इस मीडियम के लिए 60 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लें इसे आराम से। अब मान लीजिए सवालों की और भी वैरायटी बन सकती है, जैसे मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, आपसे कहते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये √3 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है, लाइट ऐसे आई है और लाइट का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो 100% पोलराइज है। इशारों में बातें कर रहा है वो, डायरेक्ट बोल ही नहीं रहा कि ब्रूस्टर्स लॉ लगाओ कि पोलराइजेशन लगाओ, वो कह रहा 100% पोलराइज है, लाइट का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो 100% पोलराइज है। एग्जांपल देखना, तो हमसे कह रहा लाइट के लिए इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल बताओ, देन फाइंड आईसी, आईसी रिफर्स टू द क्रिटिकल एंगल। डायरेक्ट सुनना, आपसे कहा गया बतौर एग्जांपल कि किसी इंटरफेस पर लाइट 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, ऐसा होने पर लाइट
का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो 100% पोलराइज हो जाता है, तो इस इंटरफेस के लिए लाइट का क्रिटिकल एंगल बताओ, मतलब वो कौन सा एंगल होगा जिस पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद अलोंग इंटरफेस चली जाएगी, ग्रेस करती हुई जाएगी, उसे तो क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। खैर, हमने कहा भाई हमें ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, बस एक बात पता है कि जब भी कभी क्रिटिकल की बात की जाती है हमसे, तो क्रिटिकल के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं, मतलब सोल्यूशन देखने जा रहे हैं बेटा, क्रिटिकल के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं साइन ऑफ आई सी बराबर 1/n डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर, नीचे लिखते हैं डेंस विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ठीक, साइन आई सी बराबर 1/n, तो n का आइडिया कहाँ से मिलेगा, तो हमने कहा जुगाड़ करते हैं, n यहाँ से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट 100% पोलराइज है तो लाइट किसी साधारण एंगल पर नहीं गिरी, लाइट पोलराइजिंग एंगल पर गिरी, ये बात ब्रूस्टर साहब ने कही थी, ब्रूस्टर साहब ने 3 बातें कही, म्यू बराबर टाइन है पी, ब्रूस्टर साहब का ला, लाइट अगर पोलराइजिंग पर गिरी है तो 100% पार्ट पोलराइज होगा, ब्रूस्टर साहब का ला, लाइट अगर किसी पोलराइजिंग एंगल पर गिरेगी तो रिफ्लेक्टेड पार्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये भी ब्रूस्टर साहब का ला, तो ये 100% पोलराइज का मतलब ब्रूस्टर साहब के हिसाब से पोलराइजिंग एंगल है, तो हमको यहाँ से हिंट मिल गया, इतने स्टेटमेंट से हमको हिंट मिल गया कि पोलराइजिंग एंगल है, तो आई पी बराबर बोलो बेटा 30 डिग्री, हम जा रहे हैं निकालने म्यू बराबर tan ऑफ आई पी, तो म्यू बराबर बोलो बेटा tan ऑफ आई पी की जगह बोलो कितना रखा जाए बेटा 30, व्हाट इज tan 30, 1/√3, लेट्स प्लेस हियर, तो साइन ऑफ आई सी बराबर, चेक करना यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, tan ऑफ हाँ साइन आई सी बराबर 1/n, और n हम निकाल चुके हैं, n कह लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू कह लो 1/μ लिख दे रहे हैं बेटा, म्यू कितना आ गया 1/√3, सो 1/√3 ऐसा कुछ हो जाएगा, हालांकि सही बात यह है कि ये थोड़ी सी एग्जांपल लेने में वैल्यू थोड़ी सी 19-20 गलत है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू √3 इस तरह एक्सटेंड नहीं कर सकती, तो किसी मीडियम के लिए ये पोलराइजिंग एंगल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि नहीं ठीक है चेंज नहीं करेंगे, बट आप समझदार के लिए सारा काफ़ी है, कि अगर हमें आई पी का आइडिया हो जाए तो आई पी से म्यू का आइडिया होगा, और साइन आई सी बराबर 1/μ लगा के हम 1/μ की जगह म्यू की वैल्यू रखी 1/√3, तो साइन आई सी बराबर इतना, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स √3 ऐसा कुछ करके आ जाएगा, कटिंग पॉइंट। अब अगर हमसे कोई कहते हैं कि लाइट की स्पीड कंपेयर करो तो म्यू क्या होता है, बट आई पी से टेन आई पी और टेन आई पी से म्यू, और म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू पता है उसमें म्यू पता है, उसमें वी पता कर सकते हैं, तो इस तरह से तमाम सारे पोलराइजेशन के सवाल बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए फार्मूले, मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ के स्टेटमेंट, पोलराइजेशन का क्या काम है, ये सारी बातें आज के लेक्चर पर एक्सप्लेन कर दी, तो यहाँ से आपके वेव ऑप्टिक्स का पार्ट रिवीजन समरी के फॉर्म में खत्म होता है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू बच्चों।